हेलो चिल्ड्रन हाव आई यू आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड चिल्ड्रन नाउ वी विल रीड ए एन एंड द एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स दे आर यूज्ड बिफोर नाउंस ए एन एंड द क्या होते हैं आर्टिकल्स होते हैं हम इनको नाउन से पहले यूज करते हैं इन इंग्लिश ए एंड एन बोथ हैव द सेम मीनिंग वन दोनों का क्या मीनिंग है वन इफ यू टॉक अबाउट वन पर्सन और वन ऑब्जेक्ट वी यूज आ और एन बिफोर द नेम ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले या पर्सन से पहले अगर वो सिंगुलर है एक है तो हम ए और एन का यूज करते हैं यूज ऑफ ए वी यूज ए बिफोर अ सिंगुलर नाउंड दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट और गिव्स द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट द कॉन्सोनेंट्स आर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई इन सेट ये सब क्या है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं तो इनसे पहले हम आ का यूज़ करते हैं Now, read and learn. A boy, a girl, a lion, a parrot, a top, a soap, a kite, a zebra. Now, use of N. We use N before a singular noun that begins with a vowel or gives the sound of a vowel. The vowels are A, E, I, O and U, A, E, I, O, U ये सब क्या है पाँचों वॉवल हैं तो हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं जो वॉवल साउंड से पहले और जो वॉवल लेटर होगा या तो वॉवल साउंड आएगा या वॉवल लेटर आएगा तो उससे पहले हम इसको इन आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं एन एन इज़ यूज बिफोर सम वर्ड्स विच बिगिनस विद एच बट इट रिमेन्स साइलेंट फॉर एग्ज़ाम्पल एन आर एन ऑनेस्ट बॉय एन का यूज़ कहाँ करते हैं जो कुछ ऐसे साउंड से स्टार्ट होता है सपोज एच से स्टार्ट हो रहा है कॉन्जोनेंट है एच लेकिन ये कैसा रहता है ये एक तरीके से साइलेंट रहता है और जब हम इसको बोलते हैं तो साउंड ये किसका प्रोड्यूस करता है वॉवल का तो इससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं एन का फॉर एग्जाम्पल एन आवर एन ऑनेस्ट बॉय एन आर राइट So read and learn. An R, an orange, an ink pot, an umbrella, an honest boy, an elephant, an apple, an ice cream. These letters they you unikis know, ka sound tia vowel ka sound. we use kara an. Now the third is use of da. Da is used in place of a or an. वेन वी टॉक अबाउट अ नाउन द सेकेंड टाइम हम ए और एन के बदले द का यूज कब करते हैं जब नाउन को सेकेंड टाइम हम यूज करते हैं आई फाउंड अ मैंगो द मैंगो वॉज स्वीट क्या मिला मुझे मैंगो और दोबारा हमने मैंगो को यूज करा तो द मैंगो वॉज स्वीट आई सॉ अग बैग ऑन माई बेड द बैग बिलोंग टू माई ब्रदर कौन सा बैग मिला कहाँ मिला बेट के ऊपर और वो जो बेट के ऊपर बैग मिला वो किसका है मेरे भाई का द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर ओशियंस माउंटेन्स सीज एंड इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स द गंगा इज अ होली रिवर द इंडियन ओशियन इज वेरी बिग द हिमालियाज आर द हाइस्ट माउंटेंस Mumbai is located near the Arabian Sea. The Taj Mahal is located in Agra. I hope you have understood it. Now it's time to revise. You can revise it.